पंजाब के पठानकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेह रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा, अपने गुरुओं और संतों की वाणी पर चलकर 21वीं सदी का नवा पंजाब बनाएंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, अगर कांग्रेस असली है तो आप उसकी जेरोक्स है। एक ने पंजाब को लूटा, दूसरा दिल्ली में घोटाले के बाद घोटालों में लिप्त है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद पंजाब में दोनों दल नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र, उस मंत्र को लेकर के चल रही भाजपा का आदर्श भी संत रविदास जी के शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। जो दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं ना, उनको पता नहीं है ये प्यार की ताकत क्या है। पीएम ने कहा, पूरी दुनिया में 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई। इस महामारी में भारत सरकार ने करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। बीजेपी सरकार ने मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई। कोरोना की वजह से गरीब को हर तरह की दिक्कत आ रही है, खाने पीने की समस्या हो रही है, लेकिन इतने बड़े संकट में, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में, इस काल में भारत करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। हमने प्रयास किया है कि महामारी के इस समय में कोई भूखा गरीब हमारे यहां गरीब भूखा न सो जाए। कोरोना की वैक्सीन भी हमारी सरकार ने मुफ्त मुहैया कराई। गांव-गांव जाकर के मेरे देशवासियों का जीवन बचाने के लिए रात दिन काम किया, और दुनिया में जो नहीं कर पाए वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया। करीब करीब 95% से ज्यादा लोगों को पहला डोज तो लग ही चुका है, और दूसरा डोज भी करीब करीब सबको लगने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। और वैक्सीन की वजह से लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। पीएम ने कहा, जहां एक बार बीजेपी के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट से सरकार चलाने वाले परिवारों की छुट्टी हो जाती है। पीएम ने पठानकोट में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। कहा कि जब पठानकोट में पाक आतंकियों ने हमला किया तो कांग्रेस के नेताओं ने हमारी सेना पर शक जताया। पुलवामा हमले की बरसी पर भी कांग्रेसी अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, वे सेना की बहादुरी का सबूत मांगने लगे। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे आप मुझे बताइए, जरा आप मुझे जवाब दीजिए। इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? पीएम मोदी ने कहा, ये धरती हरमिंदर साहिब और करतारपुर की है। पीएम मोदी ने कहा, आज संत रविदास जी की जयंती है। यहाँ आने से पहले दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया हूँ। लोगों का हौसला और जोश 20 तारीख को बीजेपी और एनडीए की जीत तय कर देगा। पीएम ने लोगों से कहा कि जनता के दमखम में उन्हें विजय नजर आ रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।